आज सवेरे मैंने फीफा फूज पर आपको एक खबर बताई थी कि धर्मा प्रोडक्शन गोवा में शूटिंग कर रहे थे, और दरअसल ये खबर कंगना रनौत के रीट्वीट के बाद सभी की नज़र में आई, क्योंकि इसके पहले किसी ने रैंडम किसी हैंडल ने ट्वीट की थी, एक वीडियो ट्वीट किया था जिससे वो ऑथेंटिकेट नहीं था। जब कंगना ने इस वीडियो को रीट्वीट किया तो लोगों की नज़र पड़ी, जहाँ एक वीडियो सामने आया था उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि जहाँ पर शूटिंग लोकेशन थी, शूटिंग के बाद बहुत सारा कचरा, वेस्ट कचरा, पीपी किट्स, यूज्ड पीपी किट्स और बहुत बायोकेमिकल वाले वेस्ट मटेरियल्स वहाँ पर थैलियों में पड़े थे अनसेग्रीगेटेड तरीके से। अब गोवा सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल फैसला आया है जहाँ ये कहा जा रहा है कि धर्मा प्रोडक्शन को एक नोटिस मिलेगा फाइन के लिए गोवा वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिस की तरफ से, क्योंकि गोवा एक खूबसूरत शहर है और लोग वहाँ पर आते हैं फिल्मों की शूटिंग करने के लिए, टूरिज्म के लिए, तो इसलिए सब कुछ सब लोग वहाँ पर वेलकम हैं शूट करने के लिए, लेकिन उनको अपने कचरे का ख्याल रखना पड़ेगा, वो अपना कचरा यूं ही फेंक कर नहीं जा सकते। मिशेल लोबो, गोवा वेस्ट मैनेजमेंट मिनिस्टर का एक बयान आया है, एनआई ने एक खबर इस वक्त ब्रेक की है। तो इन मिशेल लोबो जो गोवा के वेस्ट मैनेजमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि एक नोटिस मिलने वाली धर्मा प्रोडक्शन को, जहां उनको दिखाना, उनको फाइन भरना होगा और साथ ही साथ उनको लीगल नोटिस मिलेगी, ये कहते हुए कि एक खूबसूरत शहर है जहां शूटिंग के लिए लोग आते हैं। मैं आपको बता दूं, इन दिनों जहां इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत डिफिकल्ट हो गया है, ये बात मैंने भी पहले भी आपसे डिस्कस की है, तो ऐसे में गोवा सबसे आसान और पास का तरीका है, जहां जाने का मिनिमम एक्सपेंडिचर हो जाए, मिनिमम फ्लाइट टिकट्स हैं और कंपेरेटिवली बहुत महंगा नहीं है शहर, और खुला है, जगह है, लोकेशंस हैं, तो बहुत से लोग अपनी काफ़ी शूट्स गोवा में इस समय, और गोवा में कोरोना भी नहीं था तो बहुत सारे लोग गोवा में शूट्स कर रहे थे, और ऐसे में एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। इसके बाद जो आने वाली और शूटिंग प्रोडक्शन कंपनीज होंगी, उनको ख्याल रखना होगा इस फाइन के बाद। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ लगातार।